जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा फिलहाल हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं महिला मंडल यहाँ पर काफी दिन कोरोना वॉरियर्स का जिन्हें टाइटल दिया गया था, अगर मैं बात करूँ तगमा, कोरोना के चलते इन्होंने अपना असरणीय काम किया है, जिसकी शब्दों में भी मैं बात करूँ तो शब्दों की भी कमी पड़ जाएगी। इतना नेक कार्य है और अपनी जान पर खेलकर जो समय था कोरोना काल का सबने ही देखा है। फिलहाल हमारे साथ फिलहाल मौजूद है ये, इनसे जान लेते हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या बैठक की कोई बात हुई है या नहीं, और इनकी तरफ से 4 ज्ञापन सौंपे गए हैं प्रशासन को, पर अभी तक प्रशासन का कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। क्या कारण है पहले बात कर लेते। नमस्कार जी। मैम बताएं क्या पूरा हमने सीएमओ मैम को 4-5 ज्ञापन दे चुके हैं ऑलरेडी, एक हमने मैम को दिया है डीसी मैम को, बट यहाँ कहीं से सुनवाई की कोई गुंजाइश सामने नहीं आई है। मैम को बताएं, सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ, 4 ज्ञापन सौंप चुके हैं आप डीसी महोदय को, तो सीएमओ को, तो उनका क्या रवैया रहा आपके प्रति 4 ज्ञापन सौंपने के बाद भी? मेरे हाथ में नहीं है ये जवाब। अच्छा, मतलब एक इनार है उनका, मेरे हाथ में डीसी बोल दी कि मेरे हाथ में नहीं है। तो मैम एक बताएं, मानते किसके आप, किसके हाथ में? वैसे सबको तो सीएमओ मैम के हाथ में है, सीएमओ मैम चाहे तो हमें वहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है। हमारी सिर्फ यही मांगे हैं कि जो हमें समय सिविल में एडजस्ट कर दिया जाए, वहाँ पे वैकेंसी है NHM के थ्रू निकली है वैकेंसी, तो हमें उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। हमें यहाँ कुछ खुशी नहीं है यहाँ बैठ के, हमें भी दिक्कत होती है, बट प्रॉब्लम ये है 3 महीने से वेतन नहीं आया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, हर किसी को होती है, फैमिली इशूज होते हैं, बट ये चीज़ सिर्फ हम समझते हैं, वो नहीं समझते, क्योंकि उनको अपनी सैलरी रेगुलर मिल रही है। बस हमारे यही है, 3 मांगे हैं हमारी, हमें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए सिविल में थ्रू NHM के थ्रू। हमारी जो सैलरी है 3 मंथ की, अब 4 मंथ हो जाएंगे, हमें वो सैलरी चाहिए, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की मांगे पूरी कर दी जाए। वहाँ NHM की जो मतलब निकली हुई वैकेंसीज अभी 37 स्टाफ की निकली हुई है, वो उधर हमें एडजस्ट कर दिया जाए, ज़्यादा हम कुछ नहीं, बस ड्यूटी कंटिन्यू हो, सैलरी टाइम पर, इतना ही चाहते हैं हम लोग। और हम फिलहाल मैं आप लोगों से बात कर रहा यही सुन कि जब भी सीएमओ मैम के पास जाते हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, सीएमओ मैम का मेरे हाथ में नहीं है। जिस समय ड्यूटी अपॉइंटमेंट दी गई थी आपको कोरोना काल के अंदर वहाँ पे, उस समय मतलब मेन किसकी भागीदारी थी, किसके थ्रू आप लगे थे? सीएमओ मैडम के ही थ्रू लगे थे, क्योंकि सीएमओ मैम ने ही ऑर्डर किया था कि स्टाफ को जल्दी से जल्दी रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पेशेंट ज़्यादा थे, स्टाफ की कमी थी। और एक बात ये भी है, अभी जब हॉस्पिटल चल रहा है, स्टाफ के बिना कैसे चल रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर सीएमओ मैम चाहे तो हमें वहाँ पे भी रख सकती है, अदरवाइज हमें हिसार सिविल में शिफ्ट कर सकते हैं, NHM के थ्रू ले सकते हैं। हमारी अभी वैकेंसी जो निकाली हुई है, अभी हम इतना ही स्टाफ है, 35 37 वैकेंसी वहाँ है, सुनने में आई थी वैकेंसी वहाँ पर निकली हुई है, 35 35 हम स्टाफ है तो रख सकते हैं वो चाहे तो, बट पता नहीं सीएमओ मैम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रही, बार बार यही बोलती है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में। जो आप अगला ज्ञापन सौंपेंगे वो किस समय सौंपेंगे, आगे के दिनों आने वाले दिनों में? कल ही सौंपेंगे, वहाँ पे हम मोर्चा भी निकालेंगे और सीएमओ मैम को ज्ञापन भी सौंपेंगे कर्मचारी संघ के अंडर में। बताएं मैम। नमस्कार, बताएं अगर मैं सुनने में ज्ञापन सौंपेगा। हाँ जी, पहले हम 4 बार सीएमओ मैडम को ज्ञापन दे चुके हैं। है, आपको लगता है 4 बार सौंपने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, 5वीं बार सौंपेंगे? देखो जी, 4 बार हमने सौंपा था, इस बार सर्व कर्मचारी संघ अपनी तरफ से दे रहे हैं वो हमारे लिए, ठीक है। देखो उनकी रिस्पेक्ट मैडम करते हैं, काफी रिस्पेक्ट करते हैं मैडम, उनका कहना मानते हैं नहीं मानते, अगर फिर भी मैडम का कुछ रिप्लाई नहीं आता तो हम मोर्चा निकालेंगे, उसके बाद फिर हम धरने पे भी बैठेंगे। और काफी दिन से आप बैठे भी हैं? 8 दिन से यहाँ हम कंटिन्यू धरने पे हैं, फिर हम कल से मैडम को ज्ञापन दे के वहीं धरने पे बैठेंगे, अगर मैडम कुछ नहीं रिस्पांस देते तो, और अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता तो हम 5 तारीख को अनिल विज सर से मिलने जाएंगे, पूरा हरियाणा के ठेका कर्मचारी। एक मेरा सवाल था आपसे, सबसे बड़ा जितनी महिला मंडल यहाँ पर बैठी हुई है, कोरोना काल के चलते देखो इतना माड़ा समय, मैं बात बुरा समय लोगों ने देखा है, उस समय महिलाएं आपकी अगर ड्यूटी लगी है, मान लीजिए कोरोना वॉरियर्स आपको कहा गया था, आप अपनी जान खतरे में डालकर निकलते रहे घर से, तो फिलहाल अभी भी आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो कैसा लग रहा है फिलहाल? बुरा लग रहा जी, ना जेब की अठन्नी रही है, ना फैमिली में बेइज्जती हो रही है, वो अलग से पहले वाली ड्यूटियाँ छोड़ी हैं वो अलग से, अब भी बच्चे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, सारा स्टाफ हमारा बीमार पड़ रहा है गर्मी में धूप में बैठ के, तो मैडम का तो एक ऑर्डर ही चढ़ना है, रिक्वेस्ट ही है हमारी, कोई लंबी चौड़ी हमने कोई
प्रदर्शन नहीं कर रखे, कुछ नहीं, शांति प्रिय ढंग से मैडम से यही मांग रहे कि हमारी ड्यूटी को रेगुलर रख दो, हमें सिविल में शिफ्ट कर दो, 37 जो पोस्टें निकली हुई है एनएचएम की हमें उसमें शिफ्ट कर दो, 27 ही स्टाफ है हमारा नर्सिंग का तो जो शिफ्ट करना है, 35 में तो बाकी और रेडियोलॉजिस्ट वो है उनकी तो पोस्टें अलग होगी, 27 स्टाफ को 37 में शिफ्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, 10-11 पोस्टें बचती अपने और ले होते, हमारी तरफ से 500 बंदे और ले लो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 27 को तो शिफ्ट कर सकते हैं वहाँ। और कोरोना काल के में भी समय भी सुना है वहाँ पर आपके पास कई बार किटें भी नहीं होती थी, आप फिर भी अपना काम खूबी तौर से करती थी, ये भी सुनने में आया। हम एप्रन वगैरह डाल के कर लेते थे, गाउन मिलते थे ग्रीन वाले गाउन डाल के कर लेते थे, उसका हम ज़्यादा इशू नहीं उठा रहे फिर भी, क्योंकि वो समय तो बीत चुका है। खतरा था उस समय, खतरा तो बहुत ज़्यादा था, लाइफ का खतरा था, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम जा रहे थे, वापस घर आ रहे थे 70-70 पेशेंटों के बीच में से निकल के, 24 घंटे मन में ये रहता था, बच्चों को दादी नानी मौसी बुआ के घर भेजा, बड़े मुश्किल से एडजस्ट किया, और उसके बावजूद अब तनख्वाह नहीं मिल रही तो बच्चों की फीस तक कहाँ से भरेंगे हम, ये बताओ आप। तो तनख्वाह तो देने का बनता है मैडम को, अभी एक महीने से ही कंटिन्यू मैडम हाँ करे जा रहे कि बिल आया हुआ है इनका, तो बिल आया हुआ तो सैलरी क्यों नहीं आ रही जी, बजट आ रहा है बिल आ रहा है तो सैलरी हमारी डाल लो उसमें अकाउंट में, ताकि हमारी दिनचर्या तो ढंग से चले। सीएमओ मैम उनकी बातें मानेंगी, लेकिन पहले भी उन्होंने बहुत बार ज्ञापन सौंपे हैं तो उनकी नहीं, उन्होंने ज्ञापन नहीं सौंपे हैं अभी तक, ज्ञापन सिर्फ हमने सौंपे हैं, नहीं आपके नहीं, उन्होंने अपने लिए भी पहले बहुत बार वो भी मांगे कर चुके हैं। हाँ जी बात ऐसी है सर, एज अ रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट देखा जाए तो वो बहुत करती सीएमओ मैम ये एस के एस संघ, ठीक है, तो हमारी तो एक उम्मीद है उनसे कि अगर हमारी नहीं मान रही है तो जो हमारे थ्रू जो हमारे मेन लीडर है क्या पता उनकी बात मान ली जाए, हमें तो हमारा काम चाहिए, अगर वो हमारी बात नहीं मानती इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी की बात नहीं मानेंगे, ये है मेन मुद्दा। एनएचएम के अगर मैं थ्रू बात करता हूँ, इनका कहना है कि सिविल हॉस्पिटल में कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर इन्हें रखा जाए और जो इनका वेतन काफी महीने से और 4 महीने से इन्हें दिया जाए, अब देखने वाली बात ये डीएम और डॉक्टर भारती का क्लियर है, कल इन्होंने जाना है सर्व संघ के द्वारा, कल देख समय रहेगा कि क्या प्रतिक्रिया उनकी, किस प्रकार की इनकी मांगे पूरी होगी या अभी भी इन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जनता जनार्दन से अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।